Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will learn about parallelogram law for vector addition. ये जो parallelogram law for vector addition है, ये graphical method है और use होता है for two vectors. So इसे हम कैसे define करेंगे कि it is a graphical method in which two vectors are added in such a way that a shape of parallelogram is obtained. ये एक ग्राफिकल मेथड है. इसमें दो वेक्टर्स हम ऐसे ऐड करेंगे कि पैरेललोग्राम की शेप ऑब्टेंड हो, तो उसे हम पैरेललोग्राम लॉ फॉर वेक्टर एडिशन कहेंगे. इसकी जो मेथडोलॉजी है वो कैसे है कि फर्स्टली गिवन वेक्टर इज ड्रॉन, देन इट्स पैरेलल वेक्टर इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट द शेप ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑब्टेंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन वेक्टर्स ड्रा करेंगे और उनके जो पैरेलल वेक्टर्स हैं वो भी हम ड्रा करेंगे. तो ऐसे ड्रा करेंगे कि हमें पैरेललोग्राम की शेप ऑब्टेंड हो. ये जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम को शो कर रहा है. सो द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. The area of parallelogram is equal to the magnitude of cross product. जो parallelogram का area होता है वो equal होता है cross product के magnitude के. So area of parallelogram is equal to the mod of A cross B is equal to AB sin theta. So that was about parallelogram law for vector addition. Thank you.